चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर वन हम लोग देखते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर वन है, एक नंबर एन क्या लिखा हुआ है, अ नंबर एन इज बेस 10 और ये क्या है 503 है बेस बी पे, 305 है बेस बी प्लस 2 पे। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ एन, जो ये एक्चुअल नंबर है उसके डिजिट का प्रोजेक्ट क्या है। ये वैसे तो अगर आप देखें कंप्यूटर का क्वेश्चन है, उसमें आपने ज़रूर पढ़ा होगा बेस चेंज करने के लिए, कभी डेसिमल को बाइनरी में ये सब करने के लिए पढ़ा होगा। अगर वहाँ पे आपने चीज़ें पढ़ी हैं कुछ इस टाइप की, तब तो बड़े आराम से हो जाएगा, बहुत आसान लगेगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसने क्या बोला है कि एक कोई एन नंबर है जो कि बेस 10 पे है, ये आपका कोई एक एन नंबर है जो कि बेस 10 पे है, और यही नंबर बेस बी पे कितना है 503 है। 503 है किस पर, बेस बी पर, और ये ही नंबर 305 किस पर है, बी प्लस 2 पे। 305 पे ये बी प्लस 2 पर ये नंबर ठीक है। 10 पर कोई एक नंबर n है, b पर ये 503 बन जा रहा है, b प्लस 2 पर 305 बन जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से तीनों को हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, जैसे इस तरीके से कोई एक नंबर ले ले रहे हैं 1, 2, 4 ये ले रहे हैं, ठीक है, अगर इसको हम लोग निकालते हैं तो क्या करना होता है। ये जो लास्ट में लिखा हुआ है 4, इस 4 को तो आप 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 4 के बाद कोई डिजिट नहीं है, और 2 को आप क्या करोगे, 2 को 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 के बाद 1 डिजिट बच रहा है। ऐसे ही 1 को क्या करोगे, 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और इन सब को ऐड कर दोगे तो ये नंबर आ जाएगा, है ना। 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपका नॉर्मल 10 बेस वाला नंबर है, ठीक है, 124 जिसकी हम लोग मैथ्स में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका नंबर 50 ये किस बेस पर है, बी पर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 503 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 के साथ। अब b बेस पर है तो इसका मतलब b और 5 के बाद दो डिजिट हैं, इसका मतलब स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर प्लस कर लेंगे। 0 को करने की मल्टीप्लाई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 तो 0 हो जाएगा, सीधे सीधे 3 को कर लो। तो 3 को b की पावर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला, इसमें 305, ठीक है, तो ये आपका 3 जो है इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस b प्लस 2 पर है, तो b प्लस 2 जो बेस है इसके स्क्वायर से करेंगे, है ना, क्योंकि 3 के बाद दो डिजिट है, प्लस ये यहाँ पे तो इक्वल लगेगा, यहाँ पे प्लस लगेगा, 0 वाला तो आप हटा दो, 0 वाला मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा निकलेगा नहीं, ठीक है, तो 0 वाला तो आप हटा ही दो। उसके बाद 5 पे आप देख लो, 5 × ये आपका b प्लस 1 बेस है, b प्लस 2 बेस है, ठीक है, तो b प्लस 2 ही आप करके क्या आप पावर लगा दोगे, b प्लस 2 की पावर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, ठीक है, क्लियर है बात। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लें, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 5 b² प्लस ये तो आपका 1 बन जाएगा, केवल 3 बचेगा, ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा, इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 ये b प्लस 2 का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, क्या हो गया, b² हो गया, 4 हो गया प्लस 4b, क्लियर, प्लस 5 और इसकी पावर 0 है, 1 हो जाएगा तो सिर्फ 5 बचेगा, ठीक है। इस इक्वेशन को आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 5b² प्लस 3 इज इक्वल टू 3b² प्लस 12 और प्लस 12b प्लस 5, ठीक है, सबको एक तरफ ले आओ, 5b² से आप 3b² इधर आ जाएगा, तो 5 से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा बच्चे, 2b² बचेगा, ठीक है, तो ये आपका 2b² बचेगा, ये दोनों टर्म आपके हो गए। उसके बाद 12b ये इधर ही आ जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 12b, ये भी आपका हो गया। अब क्या बचा है, ये 12 और 5 कितना हो जाएगा, ये 3 इधर ले जाओ और 5 से माइनस कर दो, 14 बचेगा, इधर बचेगा माइनस का 14, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करिए, बताइए कितना आ रहा है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व आसान करना चाहें तो कर सकते हैं, सेवन की वैल्यू कितनी है, वो बी की वैल्यू आई होगी 7, है ना, बी की वैल्यू आपकी आ गई होगी, बी की वैल्यू आपकी आ गई होगी 7, ठीक है,
इतनी वैल्यू सबकी आ गई है बेटा सर, माइनस वन भी आएगी। माइनस वन कोई जरूरत नहीं, वो कौन सा बेस आपका होगा माइनस में, बी की वैल्यू सेवन केवल लेना है, ठीक है। तो बी की वैल्यू आपकी सेवन आ गई है। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा था, नंबर एन इज बेस 10, ठीक है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ एन, एन जो आपका नंबर है उसका क्या, उसमें जितनी भी डिजिट आ रही हैं उनका प्रोडक्ट, तो वो नंबर आप निकाल लो। नंबर कहाँ से निकाल सकते हो आप, देखिए बड़े आराम से यहाँ से निकाल सकते हो, ये यहीं से निकाल सकते हो, कहीं से भी निकाल सकते हो, यहीं से निकाल लो, ये सबसे आसान है, यहाँ से निकाल लो, ठीक है। ये एन नंबर इसके भी इक्वल है, इसको भी इक्वल है, ये वाला ज़्यादा आसान है, यहाँ से आप नंबर निकाल लो। तो यहाँ से अगर हम लोग नंबर निकालना चाहें तो वो नंबर कितना हो गया, 5 और b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये b, ये तो बात ही खत्म है, ठीक है, 1 हो जाएगा, केवल आपको 3 ऐड करना है। कितना आ रहा बेटा, 248 आ रहा है, या कुछ और आ रहा है, हाँ ठीक है, 248 आ रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करिए, आंसर बताइए, मल्टीप्लाई करिए, आंसर बताइए, ठीक है, मतलब 2 प्लस वो 4 इंटू और इंटू 8, ये आ रहा होगा, आंसर मैच कीजिए 64। ये क्वेश्चन है, पिछली बार आया था, आईओ क्यूएम का ये क्वेश्चन है, जस्ट अभी आया है। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट एक बार आप खुद रफ के देखिए, ये आपसे हो रहा कि नहीं, कौन सा नंबर है, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6, 4 का क्यूब, 5 की पावर 3, 6 की पावर 7, ठीक है। व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बाय विच शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब अगर आप डायरेक्ट इसमें देखोगे कि ये यहाँ पे अगर एक और 2 होता तो ये पेयर में बन जाता, यहाँ पे एक 4 होता पेयर में बन जाता, यहाँ पे आप 5 एक और होता पेयर में बन जाता, यहाँ 6 एक और होता पेयर में बन जाता, तो उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन वो फिर आपका क्या होगा, लिस्ट नहीं होगा, ठीक तो होगा, लेकिन इसने क्या बोला है कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो। ये आपका 2 की पावर 5 तो है ही, ठीक है, ये आपका 3 की पावर 6 है, ठीक है, इस 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 6, ठीक है, और ये 5 की पावर 3 लिखा रहने दो, इधर आप 6 को क्या लिख सकते हो, 2 into 3 की पावर 6, ठीक, ये लिख सकते हो। अब देखिए आप यहाँ पे 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7 टोटल कितने हो गए, 2 की पावर कितने हो गए, 18, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आइए, 3 की पावर कितने हो रहे हैं, 13, एक ये हो गए 3 की पावर, एक ये हो गया 13। नेक्स्ट पकड़िए आप, उसके बाद कौन सा है, 2, 3, 5, 5 की पावर 3 बाकी है नहीं कहीं, ठीक है, 5 की पावर 3 हो गया। अब आपको क्या क्या चाहिए, ये तो आपका परफेक्ट हाई है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे एक और अगर 3 होता तो कपल में बन जाता, ये पेयर आ जाता, ये 5 एक और होता, मतलब एक और हमें 3 चाहिए, एक और हमें 5 चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब 3 into 5, हाँ बताइए, क्या चीज, 2 into 3 बेटा, ये 6 है ना, तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया है क्योंकि हमको लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, लीस्ट वाला, ठीक है, वरना तो हम 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ भी एक 6 ले लेंगे, यहाँ भी एक 5 ले लेंगे, यहाँ पे भी एक 2 ले लेंगे, तो आपका पॉजिटिव इंटीजर लीस्ट वो नहीं रहेगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर तो वो भी बना देगा लेकिन वो लीस्ट नहीं रहेगा, हमको लीस्ट निकालना है, ठीक है, तो हमको देखना है सिंप्लीफाई करके कि कौन सा सबसे छोटे छोटे पॉजिटिव कौन से हैं कि उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ये परफेक्ट बन जाए। अब ये आ गया है बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, अब अगर 3 एक और मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और 5 एक और मल्टीप्लाई कर दो तो सारे के सारे पेयर में आ जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये चीज़ है, अप्लाई करना है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है, 5 डिजिट नंबर है, बेस 10 पे है, डिजिट कुछ इस तरीके से हैं,
इन दैट ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट से राइट ये सारे डिजिट आपको दे रखे हैं. इफ दिस नंबर इज एम स्क्वायर फॉर सम नेचुरल नंबर एम, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एम. एम जो नंबर है उसके जो डिजिट हैं उनका सम निकालना है. एक बार जरा ट्राई करो, रफ पे देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, ये नंबर आपका कुछ इस तरीके से है. आसान ये क्वेश्चन है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. आपका नंबर कितना है, इसमें कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, 5 का एक नंबर है, 5 डिजिट का. इस तरीके से आप टेबल बना लो, इसमें साफ साफ दिखे. 1, 2 उसके बाद 3, 4 और ये 5. ठीक है, फर्स्ट डिजिट इसकी है के आपकी, और सेकंड है आपकी के प्लस 1, उसके बाद है आपका के प्लस 2, और फिर है ये 3K, और ये है आपका के प्लस 3. ये सारे डिजिट हैं किसी एक नंबर के. नंबर क्या हो जाएगा, आप ये के है, इसको आप 10 की पावर कितनी से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस ये आपका जो के प्लस 1 है इसको आप के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये जो आपका के प्लस 2 है इसको आप के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, और फिर ये आपका जो 3K है इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे के से, और प्लस क्या चीज़ बच्चे, अच्छा हाँ, वो फर्स्ट में लिखा सेकंड में कुछ और, चलो यहाँ पे तो 10 कर ही लो, ठीक है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है. फटाफट इसका कैलकुलेशन करो, देखो कितना कैलकुलेशन बड़ा मुश्किल वाला है इसमें, बड़ा सा कैलकुलेशन. ठीक है, ज़्यादा आसान करने के लिए आप के कॉमन ले लो, के कॉमन लेके बाहर निकालो कुछ, ये के कॉमन ले लो, 10 की पावर 4 एक बच जाएगा, 10 का पावर 3 बच जाएगा, और 10 का स्क्वायर भी बचेगा, उसके बाद 10 बचेगा. ठीक है, इतना बच रहा है, बाकी और भी चीज़ें देखो, बाकी जितने कांस्टेंट हैं वो देखो कितने बच रहे हैं. 10 और 30 ये तो आपका 30 हो जाएगा यहाँ से. ठीक है, बाकी चीज़ें देखो कौन क्या बच रहा है, ये आपका हो गया. ठीक है, 10 की पावर 3 और के ये हो गया यहाँ पे, 10 का स्क्वायर के साथ एक ये के यहाँ पे का था. ठीक है, तो 10 के साथ एक ये था और एक ये के यहाँ पर भी पड़ रहा है ना, इसका मतलब तो ये आपके 30K हैं और एक के ये है तो 31K हैं. ठीक है, 31K पूरे टोटल आपके बन रहे हैं. बाकी जो कांस्टेंट वाला है वो हमें ज़रा मल्टीप्लाई करके बताओ. कांस्टेंट वाला कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके बताओ. 1,203. कितना कितना फिर से बोलना. 1,203. हाँ सही है, 1,203 पूरा कांस्टेंट आ रहा है. कैसे आ रहा है कांस्टेंट वाला, कैसे आ रहा है, जैसे आपने ये तो पूरा आपका टर्म हो गया. ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 10 का क्यूब 1 मिलेगा, उसको ऐड कर लो कांस्टेंट वाला. ठीक है, के वाले हमने अभी तक लिखे थे ना, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 10 का स्क्वायर इंटू 2 मिलेगा एक कांस्टेंट, उसको उसी में ऐड कर लो, और यहाँ पे आपका 3 मिलेगा, इसको ऐड कर लो, तो ये टोटल आ गया. ठीक है, अब ये के इंटू ये आपको कितना टोटल बन जाएगा, ऐड करो सबको, 4, 3 कुछ इतना बन रहा होगा है ना. इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलिए बच्चे. यस सर. अच्छा, अब क्या कह रहा है कि ये है आपका एम स्क्वायर, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये के की किस वैल्यू पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है. इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा बाकी कुछ नहीं है. कैलकुलेशन बिल्कुल खतरनाक वाला है. ठीक है, ये आपका एम स्क्वायर है, तो ये वाला नंबर तो हमने उसमें APGP में इस टाइप का क्वेश्चन एक बिल्कुल एग्जैक्ट कराया भी है. ठीक है, ये आपका एम स्क्वायर है, ये एम स्क्वायर है आपका, तो आप चेक करिए जरा के पे, के इजक्ल टू 1 पे, के इजक्ल टू 2 पे, के इजक्ल टू 3 पे, किस पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है. 3 पे ही बन रहा होगा, 1 और 2 पे बन नहीं रहा होगा. ठीक है, तो के की वैल्यू 3 निकाल के आप देखिए, के की वैल्यू जब 3 आप पुट करेंगे तो पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर डालिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये एम स्क्वायर बन जाएगा जाके. 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3, 9
और 333 प्लस 1203 और ये सब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दीजिए इसको और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 186 का बन रहा होगा 186 का ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा कैलकुलेशन करके देखिए ठीक है तो 186 आपका डिजिट आ गया 186 का डिजिट में सबका सम कर दीजिए सम कितना आएगा 1 + 8 + 6 वो 15 आ रहा होगा ठीक है तो ये आपका आंसर मैच कर रहा है आंसर नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फटाफट बताइए इसमें क्या कर सकते हो रफ पे जरा ट्राई मारिए ठीक है तो सबसे पहले तो इसमें ये काम आप लोग कर लोगे ठीक है इसमें एक अरेंज बस अरेंज करना है 55 को आप क्या लिख लोगे 11 × 5 ये कर लोगे ठीक है और नेक्स्ट इसमें कौन सा है 60 है इसको क्या 12 × 5 लिख सकते हो और क्या है इसको आप 13 × 5 लिख सकते हो तो अभी आप देखो 6 पॉजिटिव इंटीजर में लिखा हुआ है ठीक है अलग अलग नंबर हमको उठाने हैं तो एक तो सीधे सीधे आप 5 उठा लो ये वाला ठीक है मल्टीप्लाई और उसके बाद आप कौन सा 11 उठा लो मल्टीप्लाई कर लो फटाफट क्योंकि ये भी एक अलग नंबर है 11 आ गया और आपका 13 ये भी बिल्कुल अलग है नंबर उठा लो ये भी ठीक है उसके बाद क्या बच रहे हैं अब ये नंबर बच रहे हैं 12, 5, 5 इनको आप तोड़ना है ठीक है कैसे तोड़ोगे क्योंकि ये 5 और 5 सेम बच जा रहा है इस सेम को हमको नहीं रखना है अलग अलग नंबर में लिखना है तो आप तो आप 12 को 4 × 3 लिख सकते हो ठीक है और फिर आप क्या करो एक 5 के साथ ये 4 ले लो ये वाला ठीक है तो ये आपका 20 आ जाएगा बाकी बचेगा क्या 5 और 3 एक ये वाला बचेगा ये इनको यहाँ पे लिख लो ठीक है अब ये सारे अलग अलग हैं तो इसमें अगर आप देखो ग्रेटेस्ट तो ये वाला होगा 20 ठीक है इसी तरीके से अरेंज किया जा सकता है बाकी और इसके अलावा कोई और तो अरेंजमेंट इसका नहीं बन रहा है कि 5 अलग अलग हों और फिर उसमें बताया जाए ठीक है ये करना था अरेंजमेंट आपको करना ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें 20 इसका तो सही है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये भी आपको देखना है ऐसे ही कोई कुछ ऐसा फार्मूला है कुछ नहीं आंसर बेटा 20 देखिए साफ दिख रहा है सबसे बड़ा कौन सा है 20 ठीक है तो ये 20 है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बेटा सबसे बड़ा इसमें कौन सा नंबर होगा ठीक है सबसे बड़ा नंबर ठीक है आराम से निकाल सकते हो सबसे बड़ा कितना है ठीक है 22 का स्क्वायर 484 होता है सबको पता है ठीक है सबको पता है ये नंबर तो इससे बड़ा होना ही होना है और यहाँ पे ये देखो ये तो 2 की पावर क्या लिखा है 222 चलो ठीक है ये क्या लिखा हुआ है इसमें अगर हम लोग करें तो 2 की पावर क्या है 2 की पावर है 222 ये आपकी पावर बन जाएगी 16 ठीक है हाँ 16 तो ये 2 की पावर 16 है ये 2 की पावर 222 है ये 2 की पावर 484 है ये तो बहुत ही छोटा है ही है तो इसमें सबसे बड़ा सा क्या पूछ रहा था विज ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटेस्ट हाँ बच्चे सबसे पहले आप क्या निकालोगे ये देखो 2 पे लगा हुआ है आपका स्क्वायर और फिर इस ठीक तो ये 2 की पावर 16 आ जाएगा तो साफ साफ दिख रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि डिफरेंस है तो ग्रेटेस्ट आपको साफ साफ दिख रहा है कौन सा है बी वाला है थोड़ी सी हिंट दी जाए 7 की पावर 84 क्या लिख सकते हो 7 की पावर 4 होल पावर 21 ये लिख सकते हो ठीक है अब बताओ डिवाइड किया जा रहा है 2402 7 की पावर 4 कितनी होती है बेटा 7 की पावर 4 क्या ये तो नहीं होती है 2401 ऐसा कुछ होता है ठीक है तो इसको हम लोग 2402 अगर यहाँ से मैच करें लिख सकते हैं -1 पावर n लिख सक वो पावर 21 ठीक है अब बताओ कुछ अब याद आ रहा कुछ किया है बचपन में n माइनस वन का कोई नंबर है डिवाइड कर रहे हो अगर आप n ठीक है ये पावर इस पर k है ठीक है तो क्या आता है इसमें आपका
रिमाइंडर क्या होता है n माइनस वन, ठीक है, बस k ऑड, ये कहीं फार्मूला आपने पढ़ा होगा, यही लगा दो, बात खत्म होती है। आंसर कितना हो गया ये देख लो। आंसर तो आपके सामने है, समझ गए होगे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें क्या है, p इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चे, कुछ इस तरीके से 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे आपके प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर जो अपने आप से डिविजिबल हों या तो 1, बस बाकी किसी से ना। अब क्वेश्चन ये बोला है कि ग्रेटर देन 5, तो आप देखिए ग्रेटर देन 5 कौन से हैं, ये इस तरीके से ये सारे नंबर ग्रेटर देन 5 हैं, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन पी इज़ डिवाइडेड बाय 6, कह रहा है कि 6 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो इनमें रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप एक चीज़ ये देखिए, इसमें आप जितने नंबर सामने देख रहे हो सब के सब अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके का नंबर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका ग्रेटर देन 5 की बात की जा रही तो हम ले लें 7, या हम ले लें 11, या हम ले लें 13, इन सब में हम लोग देखेंगे 6 के ये क्या हो रहा है, 6 के प्लस 1, अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो ये आप लिख सकते हो 6 के माइनस 1, इसे लिखना चाहें लिख सकते हो आप 6 के प्लस 1। मतलब हर एक प्राइम नंबर को हम लोग 6 के प्लस 1 या माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जितने भी आपके 5 से ग्रेटर देन नंबर हैं सबको हम लोग 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं k की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, तो 6 प्लस 1 7, k की वैल्यू 1, तो ये k की वैल्यू अगर 2 ले लें तो 6 और 2 12, माइनस 1 11 आ जाएगा, यहाँ पे 2 ले रहे हैं 12 प्लस 1 13 आ जाएगा। ऐसे आगे आप बढ़ाते जाइए, जितने भी आपके प्राइम नंबर होंगे हर एक प्राइम नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 6 के, या तो प्लस 1 करना पड़ रहा होगा या तो माइनस 1, के आपका इंटीजर है, ठीक है। चलिए इसमें 5 से बड़े की बात की जा रही है, ये सारे नंबर की बात की जा रही है, डिवाइड किया जा रहा है तो डिवाइड बाय 6। इन सब नंबर में आप देखिए अगर हम लोग 6 से डिवाइड करें, मान लीजिए इसी चीज़ को, ये है आपका और इसे ही हम डिवाइड कर रहे हैं, किस चीज़ से, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो सिंपल आप देखिए यहीं से 6 से इसे डिवाइड करने से, इस नंबर को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे अगर, तो ये पूरा टर्म तो आपका कट ही जाएगा, ये पूरा टर्म कट जाएगा, ठीक है। अगर 6 के 1 ऐड इसमें किया गया है तब तो आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, है ना, जैसे कि आपका 1 ऐड यहाँ किया गया 7 में तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यहाँ आपका 1 ऐड किया गया है तो रिमाइंडर आपका फिर से 1 आ जाएगा, और जहाँ पे 1 माइनस किया गया है, मान लीजिए ये 11 है, यहाँ पे 1 माइनस किया गया है, तो यहाँ पे आप देखिए हमेशा क्या रिमाइंडर क्या आएगा, ऐसे केस में जहाँ पे 1 माइनस किया गया है, 6 के माइनस 1 जहाँ किया गया है वहाँ हर एक में रिमाइंडर आपका क्या आएगा 5, जैसे कि 11 है, आप देखिए रिमाइंडर आपका क्या रहा 5। तो आपका ये सारे के सारे प्राइम नंबर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहीं से आपको दिख रहा है कि या तो अगर आप प्लस 1 किया होगा 6 के में तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 1, और अगर माइनस किया होगा तो रिमाइंडर आएगा आपका 5। मतलब दो ही केस बन रहे हैं आपके ये प्राइम नंबर में कि रिमाइंडर आए 1 या फिर आए 5, जब हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेटर देन 5। तो इस तरीके का अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं अपने क्वेश्चन में तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे 1 या फिर 5 की बात कर रहा है और लिखा है OR, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, प्राइम नंबर जो कि ग्रेटर देन 5 है अगर हम लोग 6 से उनको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर या तो 1 आता है या तो 5 आता है, एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। निकालिए आंसर क्या आ रहा है, इनकी जगह 50 डालिए क्योंकि 50 नेचुरल ए, ठीक है, तो ए आ जाएगा, इनकी जगह बस आपको क्या है 50 डालना है, ठीक है। क्या चीज, हाँ तो एपी के फार्मूले से ये फार्मूला बेटा बना है, ठीक है, ये फार्मूला एपी का ही फार्मूले से बना हुआ है, देख ही लो ना, ये क्या है n बाई टू, ये वाला n बाई टू लिखा है,
ये आपका क्या है, ए प्लस एल ही तो चीज़ लिखी है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिखा है, ये फार्मूला हमने बताया कि नहीं बताया एपी में, सम वाला जब कराया था वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो अभी अभी आपने वहाँ पे किया है जो हमने बताया था एन माइनस वन की पावर के को एन से डिवाइड करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन कहाँ पे गया, ये वाला। ठीक है, एन माइनस वन अपान एन के, ठीक है, देखिए ठीक सेम उसी तरीके से करिए इसको। 343 सही है, 343 बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही करना जैसे अभी वो बताया। ठीक है, कुछ नहीं करना, 7 को आप क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हो, डेटा भी लगभग वही है, 21 ऊपर लिख दोगे वही आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। आप इसको 7 की पावर लिखा हुआ है 63, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 7 का क्यूब और फिर बाहर से पावर लगा दो 21। ठीक है, 21 बस, और फिर जैसे अभी अभी इससे पीछे वाला क्वेश्चन कराया वैसे कर डालो फटाफट होमवर्क मान के। इस क्वेश्चन को करो, ये भी सब लोग कर लोगे। कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर हैं और कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर आपको पता ही है क्या होते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका 6 बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट निकालना है, कर लोगे ना। कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर मतलब अगर एक n है, दूसरा n प्लस 1 होगा और तीसरा n प्लस 2 होगा, इन सब का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर लोगे आप। ठीक है, एन से आप मल्टीप्लाई कर लो सबसे पहले, तो एन स्क्वायर हो गया प्लस का एन हो गया और ये आपका एन प्लस टू है। फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर लो, एन से मल्टीप्लाई करोगे ये एन का क्यूब आ जाएगा, फिर से आप करोगे एन का स्क्वायर आ जाएगा, टू से आप करोगे टू एन स्क्वायर आ जाएगा, टू एन स्क्वायर और ये आपका आ गया टू एन। थोड़ा सा कायदे से लिखना चाहोगे तो ये एन क्यूब एन स्क्वायर हो गया आपका ये 3n स्क्वायर और ये हो गया 2n। ठीक है, ये हैं तीन, कोई भी इनका मल्टीप्लिकेशन ये आ रहा, तो n इज इक्वल टू 1 जब हम लोग ले लेंगे तो कितना आएगा, n इज इक्वल टू 1 पे कितना आ रहा बेटा, तीन का मल्टीप्लिकेशन 1, ये यहाँ पे हो जाएगा और ये आप 3 हो जाएगा, बन जाएगा 4 और ये आपका 2 बन जाएगा 6। n की वैल्यू 2 पे कितना आएगा, n की वैल्यू 2 पे कितना आएगा, ये सारे नंबर आ रहे हैं फटाफट। तो प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, देख लो किससे डिविजिबल हो रहे हैं, वही आपका ऑप्शन हो गया। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर आर देयर इफ ए 7 क्यू प्लस आर एन। 7 क्या है, डिविजर, 7 डिविजर है, मतलब कुछ इस तरीके से हम लोग 7 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्यू अगर ले लें। ठीक है, तो कुछ ये आपका r रिमाइंडर r आ रहा है, बहुत बेसिक चीज़ है, सबको पता है अगर हम 7 से किसी नंबर को डिवाइड करें तो बड़ा सिंपल है, क्या क्या रिमाइंडर हो सकता है, हो सकता है 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया हो और रिमाइंडर आया हो 0, या हो सकता है रिमाइंडर 1 आया हो, या फिर 2 रिमाइंडर आ सकता है, 3 भी आ सकता है रिमाइंडर, और 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता है क्योंकि 7 से ही हम डिवाइड कर रहे हैं, 7 ही हमारा डिविज़र है। ठीक है, तो ये इतने सारे नंबर आपके रिमाइंडर हो सकते हैं, या तो 0 रिमाइंडर हो सकता है, कोई भी आप रैंडम नंबर ले लीजिए, है ना, 10 15 20 25 कोई भी नंबर ले लीजिए। ठीक है, 2 1 3 4 5 7 जो भी आप नंबर लेते जाइए, देखते जाइए, ठीक है, आगे के नंबर लेते जाइए जिस तरीके से यहाँ पे दिया है, और चेक करते जाइए कि रिमाइंडर क्या क्या आ रहा है। सीक्वेंस में आप 11 से स्टार्ट करिए, 11 12 13 नंबर से नंबर ले लीजिए, देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो आपके रिमाइंडर कुछ यही आ रहे होंगे, इनके बाहर के रिमाइंडर नहीं आएंगे, आप 7 से डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर, तो आर की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू आपकी टोटल पॉसिबल है इस केस में। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर डी हो गया, जहाँ पे 7 आपको दे रखा है, बहुत आसान चीज़ थी, सिंपल चीज़ थी। क्वेश्चन देखिए, एक
पी आपका प्राइम नंबर है, पी और पी प्लस वन का निकालना है आपको एलसीएम, ठीक है। तो पी प्राइम नंबर है, पी प्लस वन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एलसीएम हो जाएगा, बताने की जरूरत है? ये तो समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। ये ऑप्शन सही है, कुछ नहीं करना है, क्लियर है। नेक्स्ट आप देखिए, एचसीएफ दे रखा है एक्स क्यूब माइनस वन एंड ये, अच्छा इसका एचसीएफ निकालना। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। सबसे पहले एक तो है आपका एक्स क्यूब माइनस वन, इसका फार्मूला तो आपको पता ही होगा, x माइनस वन इसको लिख सकते हो। फिर आपका ये x स्क्वायर हो गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया, और ये फिर क्या आता है, प्लस का ए बी, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा। दूसरा आपका लिखा हुआ है एक्स फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको आप डायरेक्ट ऐसे फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप इसमें कर लो प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, तो अब आप देखोगे ये इतना क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। बाकी माइनस एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है। अब आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस का वन प्लस एक बार प्लस में लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक बार माइनस में लिख दिया, ठीक है। ये काम कर सकते हो, बात क्लियर, माइनस में, ठीक है। ये तो आपका कट जाएगा, ये आपका फाइनली आ जाएगा, ठीक है। एक बार हमने प्लस में लिखा ये और प्लस, ठीक है, एक बार हमने माइनस में लिख दिया ये माइनस, ये स्क्वायर नहीं लगेगा भाई, ये, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में से एक आपके पास ये था, एक आपके पास ये, क्या है कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, ये वाला, ये कहाँ पे है, बी ऑप्शन, ठीक, डन। इस क्वेश्चन को बताओ, ये चीज तो पढ़ी होगी सेवेंथ एथ में, ठीक है। एच सी एफ किसी फ्रैक्शन का कैसे निकालते हैं, एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर का ले लो एल सी एम, और एल सी एम ले लो डिनोमिनेटर का, ठीक है। यही तो होता है, ये फार्मूला आपका होता है, याद किया होगा बचपन में कभी, तो इससे आपका ए आ रहा होगा, है ना, क्योंकि एच सी एफ वन टू थ्री कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बाकी एल सी एम तो फाइव सेवन इलेवन, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ये तो हो जाएगा सबसे। नेक्स्ट ये बताइए, ये तो उसी पर है जो अभी अभी क्वेश्चन आपने किया है, उसी टाइप का है, ठीक है। बात समझ रहे हो, कोई भी दो आपके पास अगर फंक्शन है, मान लो एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है, कोई भी दो फंक्शन है, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कब आ सकता है बताओ, यही तो होता है एच सी एफ और एल सी एम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस इसी में आप फटाफट वैल्यू पुट कर दो। एक जो फंक्शन निकालना है, एक तो दे ही रखा है, ठीक है, एक तो दे ही रखा है, एक जो निकालना है वो वैल्यू पुट कर दो। मान लो अगर जी एक्स आपको निकालना है, एच सी एफ एल सी एम ये देख यहाँ पे दे रखे हैं, एच सी एफ वन है और एल सी एम आपका कुछ ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई वन इंटू एक्स की पावर फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये हो गया आपका, और ये एक्स पावर फोर माइनस वन, ये हो गया दूसरा फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे इस गोल टू ले इधर ही ले आओ फटाफट, तो ये एफ एक्स हो गया आपका एक्स क्यूब टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का टू, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इसके भी फैक्टर कर लोगे आप, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दोगे, ठीक है, इसको भी आप एक बार प्लस में एक बार माइनस लिखोगे, एक बार और फिर फैक्टर हो जाएगा जो एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, ठीक है, इसको भी आप फैक्टर कर लोगे बड़े आराम से। क्यूब वाला है, सबसे पहले हेड एंड ट्रायल मेथड से एक फैक्टर आप अपने आप निकाल लेना, फैक्टराइजेशन में पढ़ा है आपने, ठीक है। जब एक फैक्टर अपने आप निकाल लोगे तो बाकी जो क्वाड्रेटिक बनेगा वो आप मिडिल टर्म स्प्लिट से निकाल सकते हो, है ना। इस टाइप के तो आपने किए हैं फैक्टराइजेशन चैप्टर में, इसको फैक्टर कर लोगे आराम से, सबको फैक्टर कर लो, जो भी कट पिट रहे हैं काट दो, बाकी बचा हुआ आपका आंसर होगा। एक बार कैलकुलेशन करिए, आ रहा है क्या,
कैलकुलेशन करके बताइए बेटा। डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन, इसमें देखो, इसमें आपका वन और माइनस वन दोनों सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक तो एक्स प्लस वन हो जाएगा, एक आपका एक्स माइनस वन हो जाएगा, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक आपका एक्स माइनस टू हो जाएगा क्योंकि एक्स इक्वल टू टू भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आपको एक निकालना, बाकी आपको कैसे निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है, ठीक है। उस एक से इसको डिवाइड कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा, बाद में उसको तोड़ देना दो में, ठीक है। तो आपको वैसे करना है, ठीक है। और एक तो आप हेड एंड ट्रायल मेथड से आपको पता है, वन या माइनस वन, टू या माइनस टू डाल के चेक करते हो, देख लेते हो कौन सा कट रहा है कौन सा नहीं कट रहा है, किससे आपका ये जीरो आ रहा, मतलब कौन इसका फैक्टर है, तो एक पता चल जाएगा, बाकी दो अपने आप पता चल जाएंगे, ठीक है। तो इसके ये फैक्टर होंगे, इसके तो बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब काट पीट दो, अब देखो मैच करो, अब मैच कराओ फटाफट, ठीक है। इसको आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, एक बार आप x प्लस टू लिखोगे इसको, एक बार आप x माइनस टू लिखोगे इसको, इधर है इसको आप क्या लिखोगे, एक बार स्क्वायर का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वन है एक बार लिखोगे, x स्क्वायर माइनस बार एक बार लिखोगे, इसको आप ऐसे रखोगे, x स्क्वायर प्लस वन ऐसे रहेगा, दूसरे वाले को आप तोड़ सकते हो और x प्लस वन और x माइनस वन इसको तोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये इतना सारा कुछ आ गया, प्लस ये आ गया, और काट दो यहाँ से। कौन सी चीज बेटा? सर पहला वाला f x इक्वल टू g x, ये चीज, ये सर उसके ऊपर, अच्छा ये बच्चे कोई दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, अगर LCM और HCF वही दोनों फंक्शन, उनका LCM निकालो, उन्हीं का HCF निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो वो दोनों फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है, ठीक है। कोई एक आप नंबर ले लेना, मान लो एक 12 ले लेना और एक कोई और नंबर ले लेना 16 लेना, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखना कितना रहा, फिर इन दोनों का एक बार LCM निकालना, एक बार HCF निकालना, उनका मल्टीप्लिकेशन देखना कितना रहा, दोनों का इक्वल आ रहा होगा, ठीक है। ओके सर, क्लियर। तो वहाँ से आप चेक कर लेना, बड़े आराम से चेक हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका था लास्ट क्वेश्चन, और क्योंकि टाइम भी हो चुका है, ठीक है। इसी क्लास में नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू हो जाएगी, जाने की ज़रूरत नहीं है किसी को।